तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये कंट्रोवर्सी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अब तारक मेहता के प्रोड्यूसर असित मोदी ने दे दी है बड़ी धमकी पलक सिद्धवानी को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्या कुछ कहा है असित मोदी ने अब पलक के खिलाफ। चलिए गाइज, आपको बताने का वक्त आ गया है। बता दूं आपको कि पलक सिद्धवानी का नाम भी इस कंट्रोवर्सी में शामिल हो गया है, जो सीरियल में सोनू भिड़े का किरदार निभाकर फेमस हुई। पलक सिद्धवानी को हाल ही में शो के निर्माताओं ने कानूनी नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में पलक ने उन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। अब उन्होंने खुलासा किया है कि उनके और शो के मेकर्स के बीच क्या साजिश थी। पलक ने खुलासा किया कि कैसे मेकर असित मोदी ने उन्हें धमकी दी और कहा कि वो रातों रात उनका इंस्टाग्राम डिलीट करवा देंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया, जब उन्होंने 5 साल पहले शो साइन किया था तो मेकर्स ने उन्हें ब्रांड्स का प्रचार करने और एड्स करने के लिए मनाही नहीं की थी। उस वक्त जो असित मोदी है और उनकी जो टीम है वो इस बात के लिए राजी हो गए थे। यहाँ तक कि पलक की माने तो उनके ऑन स्क्रीन पिता मंदार, मुनमुन दत्ता और काफी सारे जो शो में किरदार निभाते हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, लेकिन वो शो छोड़ना चाहती थी तो इसी वजह से मेकर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनके पास कोई भी रीजन नहीं था उन्हें रोकने के लिए, तो उन्होंने ये साजिश रच डाली। बता दें आपको कि पलक ने यह भी कहा है कि मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने की खबर का पता चला है। इससे पहले ऐसी कोई भी बात नहीं थी। पलक को 14 सितंबर को असित मोदी को मैसेज करना याद है। उन्होंने लिखा, सर मैं शारीरिक रूप से ठीक नहीं हूँ, मानसिक रूप से ये मेरे तनाव को बढ़ा रहा है, क्या आप कृपया मुझे अपनी टीम के किसी सदस्य से तत्काल मिलवा सकते हैं। पर पलक के इस मैसेज पर जवाब आया, से पहले कोई भी आपसे नहीं मिल सकता है। उन्होंने असित को बताया कि वो कितनी अनफिट है और टेंशन के साथ शूटिंग करना मुश्किल है। इस पर वो बोले, अगर कोई मौजूद होगा तो मिलेगा। यानी कि पलक ने कहा है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से सही जवाब नहीं मिल रहे थे। इतना ही नहीं, पलक ने आगे पोल खोल करते हुए कहा कि मैंने उस चिंता के साथ 5-6 दिनों तक शूटिंग की, केवल मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे दिन गुजार रही थी, जो हो रहा था मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सेट पर मुझे पैनिक अटैक भी आया, मेरे भाई ने मुझे कॉल किया था और कॉल स्पीकर पर था, मैं कांप रही थी, मेरे भाई को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। ये तमाम चीजें जो है लगातार पलक अब असित मोदी के खिलाफ बोलती नजर आ रही हैं। और इसी बीच अब पलक ने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उन्हें धमकी दी गई थी और कहा गया था तुम इतना उड़ो मत इंस्टाग्राम के कारण, हमारे पास इतनी मजबूत टीम है कि हम रातों रात तुम्हारा इंस्टाग्राम उड़ा सकते हैं। जी हाँ, ये चौंकाने वाला बयान अब पलक ने असित के खिलाफ कहकर पूरी तरीके से असित मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही।